निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल का खासा असर देखने को मिल रहा है और हमीरपुर में जहां ग्रामीण रूटों पर बसों के इंतजार में लोग घंटों राह देख रहे हैं तो कॉलेज छात्रों को आवाजाही करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। हमीरपुर बस अड्डे पर भी दर्जनों छात्रों को बस सुविधा न मिलने पर मासिक परीक्षाओं से भी वंचित रहना पड़ रहा है, जिससे पढ़ाई बाधित हो रही है। निजी बस ऑपरेटरों ने अपनी मांगों को लेकर दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रखी और निजी बस ऑपरेटरों ने बसों के पहिए जाम रखे। हमीरपुर में भी आज करीब 400 बस रूटों पर नहीं चल पाई हैं। वहीं हमीरपुर में आज भी HRTC की बस में भारी भीड़ देखने को मिल रही है तो समस्या से निजात के लिए JNURM की बसों को चलाया जा रहा है। हमीरपुर डिग्री कॉलेज के छात्रों का कहना है कि कॉलेज में मासिक परीक्षाएं चली हुई हैं और बसों की सुविधा नहीं होने से पिछले कल भी टेस्ट नहीं दे पाए थे। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में क्लासेस भी मिस हो रही हैं और निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल से बहुत परेशानी हो रही है। जैसे कि हम NSEVM से हमीरपुर में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आजकल MT लगे हुए हैं बच्चों के, तो बहुत सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। हम सुबह मतलब बस में आते हैं, कुछ बच्चे रोज जो गवर्नमेंट बस में पासेस हैं वो तो बैठ जाते हैं, बट कई जो होते हैं वो रेगुलर नहीं आते हैं, तो उनके लिए बहुत सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो ऐसा होता था कि प्राइवेट बसेस भी जाती थी तो बच्चे जिनका पास नहीं होता था वो प्राइवेट में जाते थे, बट आजकल जैसे प्राइवेट नहीं जा रही है तो जिनका पास भी नहीं है वो भी इसमें जाते हैं। बसें नहीं है, क्या करना, क्या बताएं, कहाँ जाना है पहले तो। तभी ऐसे खड़े हैं, सुबह से बस नहीं, क्लास से मिस हो गई, पेपर लगे बच्चे को वो कैंसिल हो रहे हैं, क्या करना। कॉलेज टाइम के पहुंचे नहीं, क्लासेस क्लासेस नहीं।